अस्सलामुअलैकुम। ये सेशन है प्रैक्टिकल टिप्स फॉर फोटोग्राफी के बारे में। फोटोग्राफी इज़ अ ह्यूज टॉपिक। हम कोशिश करेंगे इसको आपको 8-10 मिनट में कोई इसकी की चीज़ें थोड़ी सी आइडिया दे दें। पिक्चर्स लेने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है लाइट, लाइट का इस्तेमाल। बेसिकली जब आप किसी चीज़ की तस्वीर बना रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसकी तस्वीर बनाई जा रही है, खा वो बिल्डिंग है, एक शख्स है, तो ट्राई टू मेक श्योर कि लाइट उसके ऊपर पड़ रही हो, ना कि उसके पीछे से आ रही हो। क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट अगर पीछे से लाइट आ रही है तो वो बिल्कुल डार्क या सिलोवेट सा नज़र आएगा। उसके अलावा जो आउटडोर फोटोग्राफी आपने किसी सीन की करनी है, अगर आप प्लान करके कर रहे हैं और आपके पास ये गुंजाइश है कि वक्त अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें, तो उसके लिए बेस्ट होता है जो सुबह का सूरज निकलने के बाद का टाइम होता है, सॉफ्ट लाइट होती है, या लेट आफ्टरनून। उसके बाद जो है लाइट कम हो जाती है लेट आफ्टरनून के बाद। और अगर आप 11-12 बजे या 12-1-2 बजे लेंगे तो वो बहुत वाइट लाइट होती है और बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, तो उसमें चीज़ें जो हैं वाइट सी लगती हैं और उनके वो मेलो और सॉफ्ट कलर्स उस वक्त नज़र नहीं आते। इसी तरह ये जो टीवी वगैरह वाले हैं, ये लोग अपनी आउटडोर शूटिंग्स भी इसी टाइम पे करते हैं। उसके अलावा लाइट और डार्क का जो प्ले है, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि लाइट छन के आ रही है, इसमें जो प्लास्टिक का लैंप है उसके कटाव में से लाइट छन के आ रही है, या दरख्तों में से लाइट छन के आ रही हो, या पहाड़ों के ऊपर कहीं पे धूप और कहीं पे छाँव, तो वो कॉन्ट्रास्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड यू कैन ट्राई कि आप उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। और अगर आपको कोई ऐसी शॉट लेनी है तो आप, या लिए आपने, तो नोट करें कि कौन से टाइम पे ये वाली तस्वीर अच्छी निकली है, तो मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट कि ये अच्छा, इसका मतलब है कि ये टाइम अच्छा है इस तरह की तस्वीर के लिए। इंडोर फोटोग्राफी भी जाहिर है आपने करनी चाहिए, आपको उसमें भी इंडोर भी मोमेंट्स होते हैं जो आप कैप्चर करना चाहेंगे। अगेन उसमें आपके कैमरे की जो सेटिंग्स हैं उसमें डिफरेंट हैं, पोर्ट्रेट, फायरवर्क्स, ये वगैरह, उनको सबके सेम तस्वीर को डिफरेंट सेटिंग से कर करके देखें कि उसका क्या डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है, कोई डिफरेंट है। कई दफ़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, महसूस भी नहीं होता, वो देखें। फ्लैश के इस्तेमाल को एक्सप्लोर करें। कमरे में कई लाइट्स होती हैं, नोट करें कि अगर ये दो लाइट्स ऑन रखें और बाकी की बंद कर दें तो फिर कैसे तस्वीर आती है, कौन सी तस्वीरें कौन सी पोजिशनिंग ऑफ द सब्जेक्ट के लिए कौन सी लाइट्स अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है सिर्फ लैंप लाइट के साथ आप फोटो लें तो वो ज़्यादा अच्छी है। डिपेंड्स ऑन द मूड यू वांट टू टेक, और उसके हिसाब से आप लाइटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पोजिशन और फ्रेमिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह, आप जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आपने उसमें से एक फ्रेम बना के और उसकी फ़ोटो बनानी है। हाउ डू यू सेलेक्ट दैट, कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, कि आपने इस दरख्त को और इस घर को उसमें लेना है, या आपने इस साइकिल को और दरख्त को लेना है, कौन सा फ्रेम बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसमें फ्रेम और कॉम्पोजिशन का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि वो एक उसका एक उसको बाकी जो सीन है उससे अलग करके आप अपनी मर्ज़ी का एक हिस्सा उसमें से उठाते हैं, और वो ये डिपेंड करता है कि आप क्या स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं। एक पिक्चर इसीलिए आप डालेंगे अपने लिखे हुए में कि वो एक स्टोरी सुनाती है। अगर आपने साइकिल वाले बाबे की स्टोरी सुनानी है तो आप साइकिल को फोकस में रखेंगे। अगर आप कोई और चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, कोई आप नदी के बहने का दिखाना चाह रहे हैं, तो आप फोकस उसके ऊपर रखेंगे। कौन सी दो चीज़ें आपने रखनी है वो, या कौन सी दो तीन चीज़ें आपने रखनी है वो, ये डिपेंड इस पर डिपेंड करता है कि आपने कहानी क्या बनानी है, क्या आपकी सुनानी है। गलत और सही तो इसमें कोई नहीं है, इट्स आर्ट, इसमें गलत सही कुछ नहीं है। लेकिन ये कि अगर क्लटर्ड तस्वीर होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी तो उस पर फिर किसी देखने वाले का ध्यान किसी एक चीज़ के ऊपर या उसके ऊपर फोकस नहीं हो सकेगा। तो कोशिश करें कि कम चीज़ों को फोकस में लें और अपनी कॉम्पोजिशन में लें और उनको अच्छी तरह से बेस्ट पॉसिबल तरीके से दिखा सकें। उसके अलावा ये एक जो कुछ रूल्स हैं फ्रेम करने के लिए कि इसको आपने रूल ऑफ थर्ड एक है, यानी जिस चीज़ की आप फ़ोटो ले रहे हैं उसको बिल्कुल सेंटर में ना रखें। जैसे कि आपने किसी बिल्डिंग के सामने, बादशाही मस्जिद के सामने आपने किसी की फ़ोटो लेनी है, तो वो शख्स अगर बिल्कुल सेंटर में खड़े होंगे तो वो पिक्चर इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी, बिल्कुल कॉर्नर में होंगी तो भी वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। रूल ऑफ थर्ड ये है कि तकरीबन 1/3 जहाँ पर तस्वीर ख़त्म होती है या आपका फ्रेम है वहाँ पर वो शख्स हो। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये हट जहाँ पर है ये बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है, और जहाँ पे ये इसका एक ये वाली जो दीवार है ये तकरीबन 1/3 है, और दो घोड़े हैं, तो ये सारी मिलके एक इंटरेस्टिंग कॉम्पोजिशन बन रही है। पिक्चर्स को लेना एक चीज़ है, फिर उनको एडिट करना एक और अलग मरहला है। एडिट करने में जो है सबसे पहले ये है कि आप उसको पहले अपनी ओरिजिनल को सेव कर लें और फिर उसके साथ जो कॉपी है उसके साथ प्ले करें। अगर आपने फ़िल्टर्स ट्राई कर लें आई एम नॉट अ फैन ऑफ़ यूजिंग टू मैनी फ़िल्टर्स,
या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स या वो सारी चीज़ें, सिर्फ ये कि उसको ओरिजिनल को कैसे थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता है, दैट इज़ यूजुअली इनफ। और किसी उस जो उसकी सैचुरेशन है या ब्राइटनेस है उन चीज़ों को भी ओवरडू ना करें, क्योंकि वो अनरियल सी और फेक सी चीज़ लगने लगती है तो आपका जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। आपने जो चीज़ देखी थी, यू वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू द पर्सन हु इज़ रीडिंग योर आर्टिकल और ब्लॉग, लेकिन वो उसके बजाय कोई उसकी डिस्टॉर्टेड शक्ल आ जाएगी जो बिलीवेबल नहीं होगी, जो उस देखने वाले को लगेगा पता नहीं फेक बनाई हुई है सारी, तो वो उसका द पर्पस विल बी लॉस्ट। रेड आई इश्यूज होते हैं जब फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं आप, तो जो लोग फ्लैश की तरफ देखते हैं उसकी आसानी से वो एडिटिंग में वो दुरुस्त किया जा सकता है, वो आप करें। क्रॉपिंग इज़ द बेस्ट फीचर, अगर जो कॉम्पोजिशन या फ्रेमिंग आप उसकी करते हैं किसी पिक्चर की उसमें जो कमी पेशी रह जाती है तो आप क्रॉपिंग से उसको रीफ्रेम कर सकते हैं और आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ को मैं निकाल दूँ, ये वाली ब्रांच दरख्त की मैं निकाल के और ये इस दूसरी चीज़ के ऊपर फोकस रख लूँ। सो दैट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। अगेन मेक अ कॉपी, ओरिजिनल को अपने पास रखें और कॉपी के साथ आप प्ले अराउंड कर लें। क्रॉपिंग में ये है कि जब आप क्रॉप करते हैं तो जो पीछे तस्वीर रह जाती है वो स्प्रेड करके ओरिजिनल साइज पे आती है, तो उसकी थोड़े से पिक्सल्स फट जाते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आपने क्रॉप करने हैं और कोई ऐसी वो है तो आप उसको थोड़े से हायर रेजोल्यूशन की सेटिंग पे करके करें, ताकि वो ज़्यादा जो है वो स्कैटर्ड उसका इफेक्ट ना आ जाए। और इसमें एज इज ऑब्वियस कि उसमें डिस्ट्रैक्टिंग पैटर्न चीज़ें जो हैं वो आप उसमें निकाल सकते हैं। एडिटिंग के लिए रिसोर्सेज भी बहुत सी हैं। ऑब्वियसली जो कैमरा या जो डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अपने भी फोटो एडिटर्स होते हैं और उसमें बेसिक्स काफ़ी अच्छी उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये हमने ऑनलाइन भी सोर्सेज आपके लिए ढूंढी हैं। फोटो सीजर्स वॉज माई फेवरेट, आई लाइक टू शो दैट टू यू ऑल्सो। इसमें यह है कि आपने कोई पिक्चर ली है और उसका बैकग्राउंड आप बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। दूसरे जो ऐप्स हैं, फोटोशॉप वगैरह जो टूल्स हैं, उसमें बड़ा मुश्किल है और ज़रा ऑलमोस्ट प्रोफेशनल है। लेट मी शो यू हाउ इट्स डन। इट्स वेरी सिंपल और आप लोग जब करेंगे तो आप लोग ख़ुद भी इसको इन्जॉय करेंगे। पहले तो ये है कि आपने अपनी कोई पिक्चर सेलेक्ट कर ली, जिसको कि आपने कहा कि इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज करना है। ये पर्स एक है यहाँ पर दिखाया है, और जो उसका फोरग्राउंड है जिसको आप रखना चाह रहे हैं उस पर आप ग्रीन सा कोई निशान लगा दें। उसको आपको पूरा एंड टू एंड फिल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कोई रैंडम सा निशान जैसे इन्होंने लगाया ग्रीन लगा दिया। उसके बाद फिर आपने जो बैकग्राउंड है उसको आपने रेड निशान लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे ये रेड निशान लगा हुआ है, और इसका ये मतलब है कि उसको ये मैसेज मिली है कि रेड पार्ट गोज़ आउट और ग्रीन वाला जो है वो रखा जाएगा। ये अगले आप इसमें देखें तो ये बैकग्राउंड कट कर दिया उन्होंने और सिर्फ फोरग्राउंड रह गया। एंड देन यू सेलेक्ट विच एवर बैकग्राउंड यू वॉन्ट, और उसमें उन्होंने ये कि आपको करके दिखाया है, ये एक वुडन पैनल्स का सा इन्होंने कर दिया। यू कैन चेंज इट, यू कैन सेलेक्ट इट, कई सारे उसमें ऑप्शंस हैं और आप करेंगे तो आप ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। यू कैन ट्राई इट विद अ बिल्डिंग, लोगों के साथ आप कर सकते हैं कि लोगों की आप बैकग्राउंड चेंज कर दें, किसी बिल्डिंग का चेंज कर दें, अपने किसी पेट का, किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको इंटरनेट से तस्वीरें लेनी पड़ेंगी, उसके बगैर भी चारा नहीं है। हो सकता है आपने किसी ऐसी शख्सियत के बारे में लिखना हो जिसकी कि तस्वीर आपके पास खुद ना हो, जैसे कि कोई सियासी शख्सियत हो, या किसी ऐसी जगह के बारे में जैसे आपने कॉर्डोबा मॉस्क के बारे में लिखना हो, तो ऑब्वियसली आपको इंटरनेट से पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी। या इसके अलावा और बहुत सारी हो सकती हैं, या कोई आप स्पेशलाइज्ड आर्टिकल लिख रहे हैं जैसे कि किसी फैक्ट्री के बारे में, या कोई ऐसी जिसकी आपके पास एक्सेस नहीं है कि आप खुद जाके तस्वीर बना सकें, तो फिर आपको इंटरनेट लेना पड़ेगा। और आपने क्योंकि एक स्टोरी कम्युनिकेट करनी है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने यही कहना है कि नहीं मैं अपनी पिक्चर, लेकिन विच एवर पिक्चर हेल्प्स यू कम्युनिकेट योर स्टोरी बेटर, तो चाहे वो आपकी अपनी पिक्चर हो चाहे वो कोई किस इंटरनेट से ली हुई पिक्चर हो, एज लॉन्ग एज आप कोई वो प्लेजरिज्म या कॉपीराइट्स की वायलेशन नहीं कर रहे तो वो आप इंटरनेट से पिक्चर यूज़ कर सकते हैं। उसकी कुछ रिसोर्सेज हमने इकट्ठी की हैं, इसके अलावा और बहुत सारी हैं, तो ये आपकी दिलचस्पी के लिए आपको दिखाते हैं। पिक्साबे कुछ तो इसमें हैं जो बिल्कुल मुफ्त हैं, और कुछ ये हैं कि जब उसके एडवांस्ड फीचर के ऊपर आप जाते हैं तो आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। कुछ ये हैं कि फ्री में हैं, आपने पैसे नहीं देने, लेकिन जब आप वो इमेज यूज़ करें तो आप उसका जो एक लिंक है वो आपने साथ में दे देना है, यानी कि उनको क्रेडिट दे देना है कि हमने यहाँ से पिक्चर लिया, विच इज़ ओके। इस ये बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। इसमें इसको अभी हम आपको थोड़ा सा एक आध साइट खोल के भी दिखाते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो ख़तरा मेरे ख्याल में ये है कि हमें उसमें इतने इनग्रॉस हो जाते हैं तस्वीरें देखने में कि अच्छा ये इससे अच्छी और इससे अच्छी और ये कितनी अच्छी है, तो उस और उसमें करते करते हमारा लिखने का या जो भी प्रोडक्ट फाइनलाइज करने का वक्त भी जा सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है
کہ آپ اس کو اپنے آپ کو مینیج کریں, دو تین تصویریں آپ کو بس بہتر لگ گئی ہیں اس میں سے ایک سلیکٹ کر کے اس کو فائنل کر لیں. ڈونٹ سارٹ آف گیٹ اڈکٹڈ ٹو سینگ کہ اور کیا ہے اور کیا ہے, اس سے اچھا نہ ہو اس سے اچھا نہ ہو کوئی. اور اگر لائسنس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر آپ کلیئر نہیں ہیں کسی انٹرنیٹ پکچر کے بارے میں تو آپ ای میل کر کے ان کو معلوم کر لیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو وائلیشن کریں. یہ پکسابے کی ویب سائٹ ہم نے آپ کے لیے یہاں پہ کھول کے آپ کو دکھا رہے ہیں, اس میں کچھ امیجز انہوں نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی خاص تصویریں چاہیے تو آپ اس کو سرچ کو یہاں پہ کر کے, جیسے میں نے لکھا ہے ونڈ ملز, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ونڈ ملز کی کیا تصویریں دے گا. یہ ہمارے پاس آ گئی ونڈ ملز کی, یہ فری ویب سائٹ ہے, یہاں سے آپ پکچرز دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کسی خاص قسم کے ونڈ ملز یوز کرنا چاہ رہے ہیں جیسے رینیوبل انرجی والے, تو وہ آپ لکھ کے اس میں ٹائپ کر کے اس کے مطابق سرچ کر سکتے ہیں. اور اس میں لائک آئی سیڈ بہت سی تصویریں, آپ کو دو تین کوئی پسند آ جائیں اس میں سے ایک سلیکٹ کر کے ایڈ دیٹ ٹو یور رائٹنگ اینڈ انجوائے.